और हम हमारे साथ है रविश कुमार, आप सब जानते ही हैं, एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, एंकर हैं और वेल नोन पत्रकार हैं और ट्रोल नोन पत्रकार हैं। सामने से देख सकते हैं, ये आपने क्यों बोला ये जरा बताइए मुझे। ये मैंने कभी नहीं बोला, और जो मैंने नहीं बोला वो ज़्यादा लोग चला देता है। तो ये एक प्रोसेस है प्रिया की, किस तरह से गलत सूचना के ज़रिए पहले मुझे इसी भीड़ में एलिमिनेट किया जाए और फिर मुझे एनिमी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, और फिर उसके साथ साथ ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, ये जो भीड़ लोग यहाँ बैठे हैं, फिर उनको एक ख़ास तरह के पैटर्न, मतलब उस लीनियर में बहुत तरह के मैसेजेस दिए जाते रहें, ताकि इस तरह के प्रोसेस से एक दिन ये भीड़ उठे और इस बात पे भड़क जाए अपने आप और मुझे मार दे। तो इस लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है आइडियोलॉजी की तैयारी की, वो कहीं और होती है, लेकिन जब ये भीड़ मुझे मार देगी तो जिम्मेदारी उन पे नहीं आएगी, कहा जाएगा कि भीड़ ने मारा है। तो ये प्रोसेस है कि लोकतंत्र में एक आदमी जो सवाल कर रहा है उसको अलग थलग करना, और आप उसे अलग थलग के रूप में उसको देख पाए, इसलिए आप हत्यारे में बदलना। आप कुछ भी हो जाएं, हत्यारा तो नहीं होना चाहेंगे, अपनी मर्जी से तो नहीं होना चाहेंगे। एग्जैक्टली वो नहीं चाहते कि आप अपनी मर्जी से हत्यारा बने, इसीलिए वो एक डिजाइन के तहत तरह तरह के अफवाहों और ऐसी, उसका जो बेस है वो नफरत पे आधारित है, तो वो तैयार करते हैं। तो ये जो फेक न्यूज़ और ये सारी चीज़ें हैं, वो बेसिकली कि हम लठैत पैदा कर दें जो सोचे नहीं, और खुद ही मुझे देखते ही ट्रिगर हो जाए कि ये कोई दुश्मन आया है तो इसको मारना हमारा फर्ज है। उसके फैन बने, पत्रकार और नेता, खासकर नेता से तो आप नींद में भी उसके फैन ना बने, वरना पहले के नेता जेब काटते थे, अब के नेता गर्दन उड़ा ले जाते हैं। खासकर नेता से तो आप नींद में भी उसके फैन ना बने। में हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर तनवीर जफर अली। मैं बीबीसी को बधाई देता हूं इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, लेकिन मुझे और ज्यादा खुशी होती कि हमारे देश की जो चैनल्स हैं अगर वो भी इस तरह का प्रोग्राम कुछ ऑर्गेनाइज करते, या सरकार की तरफ से भी इसमें कुछ प्रोग्राम कराए जाते, तो और ज्यादा खुशी होती है।